हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बॉर्डर डिज़ाइन जो कि बनाने में बहुत आसान है और दिखने में इसकी लुक इस तरीके से आती है। ये जो बॉर्डर है ये बच्चों के, जेंट्स के और लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप डाल सकते हो, या फिर आप चाहे तो इस डिज़ाइन से जेंट्स स्वेटर भी बना सकते हो, हाफ बाजू या फुल बाजू। ऑल ओवर आप इस डिज़ाइन को जेंट्स के स्वेटर में डाल सकते हो। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसे आराम से बना लेंगे। ये जो बॉर्डर मैंने बनाई है 2x2 का जो बॉर्डर आते हैं, दो सीधे दो उल्टे का, वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। चेंज मैंने क्या किया है वो मैं आगे वीडियो में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनानी है। और इस डिज़ाइन को जो है सीधी तरफ से स्टार्ट करनी है, तो फंदे डालने के बाद जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है इस तरीके का वर्धमान की ऊन, जो नॉर्मल ऊन होती है वही मैंने ली है। और इस ऊन के अकॉर्डिंग मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई का इस्तेमाल कर सकती है। तो इस ऊन से मैं फंदे डालूंगी, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे ले लीजिए। इसमें मैं लूँगी जो है इवन नंबर पर फंदे, क्योंकि ये जो बॉर्डर है दो फंदे जो है सीधे आएंगे और दो उल्टे आएंगे, तो वही मैं यहाँ पर जो है इस हिसाब से दो दो करके फंदे लूँगी इवन नंबर पर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऊन को जो है डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। थोड़ा सा लंबा कर लीजिएगा, आपके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको जितना फंदा लेना है उसका डबल आपको कर लेनी है। अगर आप सिंगल धागे से फंदे डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, मैं यहाँ पर डबल धागा करके डाल रही हूँ। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऊन लंबा कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर गांठ लगाऊंगी इस तरीके से, जो हम फंदे डालते हैं नॉर्मली वैसे ही लगाने के बाद सिलाई को ऐसे डालेंगे और फंदे हम इस तरीके से डालेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर कोई डिज़ाइनर फंदे नहीं डाल रही हूँ, बस मैंने यहाँ पर ऊन को डबल कर लिया है। उसके बाद अंगूठे को ऐसे करेंगे और यहाँ से फंदे को ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिंगल धागा है वो आपकी जो है उंगली पर रहेगी और जो डबल धागा है वो आपकी इस तरीके से अंगूठे पर रहेगी, ऐसे। फिर से ऐसे अंगूठे को नीचे से डालेंगे, ऐसे करके अंगूठे को नीचे से डालेंगे और यहाँ से फंदे को निकालेंगे। ऐसे ही करते हुए हम फंदे डालते जाएंगे। आपको जैसे भी इजी लगे आप यहाँ पर फंदे अपने हिसाब से डाल सकती हैं। तो इस तरीके से फंदे डालते हुए अपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे ले लेने हैं, दो दो करके। देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से करते हुए मैं यहाँ पर फंदे ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पर दो दो करके फंदे ले लिए हैं और फंदे मैंने थोड़े से ढीले ही रखे हैं, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। इससे जब हम फंदे को ऐसे खींचेंगे तो आराम से ये खींच जाना चाहिए अपनी सिलाई में, आपको इतना ढीला इसको डालनी है। और फंदे मैंने यहाँ पर जो है उल्टे हाथ से डाले हैं। अगर आप सीधे हाथ से फंदे डाल रहे हो तो आपको बेसिक रो बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप उल्टे हाथ से फंदे डाल रहे हो तो आपको उल्टी साइड से जो है एक सिलाई उल्टा उल्टा निकाल लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये चोटी वाली साइड है ये सीधी साइड है और ये जो गार्ड वाली साइड है ये उल्टी साइड है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है एक सिलाई इस तरफ से उल्टा उल्टा बनाती हुई कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे। ऊन आगे की तरफ रहेगी और एक एक करके हम फंदे को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये जो है ये बेसिक रो है। अगर आप सीधे हाथ से फंदे डाल रहे हो तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उल्टे हाथ से फंदे डालते हो तो बस आपको इस रो को दोहरानी है, नहीं तो आप अगर स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से करते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको पैटर्न स्टार्ट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई मैंने बेसिक निकाल ली है इस तरीके से, अब हमारी जो पैटर्न है वो स्टार्ट होगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो है इवन नंबर पे फंदे लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है 46 फंदे डाल लिए हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे ले लीजिए। उसके बाद देखिए, पहली सिलाई जो है ये सीधी साइड से है, तो इन्हीं जो है दो सिलाई, एक सिलाई की पैटर्न है, बस आपको दो सिलाई में इसको मैं बताऊँगी, बाकी इन्हीं को आपको रिपीट करते हुए जानी है। तो ये जो है ये एक्सटी से, इसे हम ऐसे ही नॉर्मल सीधा बना लेंगे, इस तरीके से सीधा बना लेंगे। उसके बाद देखिए, जो सेकंड वाला फंदा है, जैसे हम नॉर्मल सीधा बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे इसको, थोड़ा सा हम चेंज करके बनाएंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे जो है बेसिकली हम ऐसे सिलाई को डाल के सीधा बनाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं बनाएंगे। इसका जो पीछे वाला लूप है, देखिए ये आगे वाला लूप है, तो इससे हम पीछे से ऐसे सिलाई को डालेंगे, ऐसे
देखिए इस तरीके से, और ऊन को हम ऐसे लपेटते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं लपेटेंगे इस डिज़ाइन में, ऐसे लपेटेंगे आगे से, ऐसे ऊन को लपेटेंगे और इसे ऐसे सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर ऊन आगे की तरफ लाएंगे। दो फंदे हम जैसे उल्टे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे ऐसे, एक फंदा और ये दो फंदा। उल्टे फंदे में हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे फंदे को थोड़ा सा चेंज करके बनाने हैं। ऊन पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये जो सीधा फंदा है इसे हम ऐसे ना बिन के इसके पीछे से सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऊन को ऐसे आगे से लपेटेंगे। हम ऐसे नहीं लपेटेंगे इसको, ऐसे ऐसे करके लपेट के सीधा बनाएंगे इस तरीके से। फिर से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन हम ऊन को ऐसे लेंगे, पीछे से सिलाई को डालेंगे, फिर ऊन ऐसे आगे से लपेटेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे ऐसे। थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ आपको, ऊन आगे की तरफ जो दो फंदे हैं उसे हम नॉर्मल उल्टा बना देंगे ऐसे, एक और ये दो, इसे हम उल्टा बना देंगे। ऊन पीछे ले जाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला फंदा जो है सीधा बनानी है, लेकिन हम इसे ऐसे पीछे से सिलाई को डालेंगे, डाल के फिर ऊन इसके सिलाई के ऊपर से लपेटेंगे ऐसे, एक फंदा सीधा, फिर से ऊन को ऐसे डालेंगे सिलाई को, फिर ऊन को ऐसे डालेंगे आगे से ऐसे सीधा, ऊन आगे की तरफ दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे, इस फंदे को सीधा बनानी है लेकिन ऐसे सिलाई को डालेंगे और ऊन को आगे से सिलाई के ऊपर से लपेटेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, फिर इस फंदे को सीधा ही बनानी है लेकिन पीछे से सिलाई को डालेंगे और ऊन को हम सिलाई के ऊपर से लपेटेंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर ऊन आगे दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, पीछे से सिलाई को डालेंगे, इसके ऊपर से ऊन को लपेटेंगे सीधा, ऐसे सिलाई को डालेंगे, ऊपर से फंदे को ऐसे निकालेंगे सीधा। तो इसी तरीके से पहली सिलाई बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है वो मैंने लास्ट तक बना ली है। लास्ट के जो दो फंदे हैं वो आपके उल्टे भी आ सकते हैं, आपके सीधे भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ पर सीधे आए हैं तो इसे हम सीधा बना लेंगे ऐसे, लास्ट का फंदा एक्सटिस की तरह ऐसे नॉर्मल सीधा हम बना लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है इसी को आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, अब आ जाइए सेकंड रो उल्टी तरफ से। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देती हूँ, जो नॉर्मल फंदे है उल्टा उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए ऊन आगे की तरफ और उल्टा बना देंगे दो फंदे को, ऐसे उल्टा बनाएंगे, और जो सीधा फंदा है उसे हम वैसे ही बनाएंगे जो हमने फर्स्ट रो में बनाई है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला फंदा जो है सीधा है तो इसे हम सीधा ही बनाएंगे, लेकिन ऐसे सिलाई को ऐसे ना डाल के ऐसे डालेंगे और ऊन को आगे से सिलाई के ऊपर से लपेटेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर से ऐसे डालेंगे सिलाई को और ऊपर से ऊन को लपेटेंगे, सीधा बना देंगे। ऊन आगे दो फंदे उल्टे, जो दो फंदे उल्टे दिखेंगे आपके वो दो फंदे आपको उल्टे ही बनाने हैं ऐसे। ऊन को पीछे की तरफ ले जाएंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे। तो इसी तरीके से सेकेंड रो भी कंप्लीट करेंगे फर्स्ट रो की तरह। तो इस तरीके से इस रो को भी मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने दो सिलाई आपको बना के दिखा दी है। एक सिलाई की पैटर्न है, बस आपको बार बार इसी फर्स्ट रो को जो है रिपीट करते हुए जानी है, तो आपकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से दिखेगी। तो फ्रेंड्स इसकी लुक इस तरीके से आएगी। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, सभी प्रोजेक्ट पर। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। ये आप देख सकते हो इसकी लुक ऐसे है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला पैटर्न जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये वाला पैटर्न कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।